नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied. Big time. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files. 30 अप्रैल 2018 के दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। अपनी इस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के प्रधानमंत्री हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से पर्दा गिरा रहे थे। डॉक्यूमेंट जिनमें चोरी छिपे चल रहे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बारीक से बारीक डिटेल्स मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। इन पुख्ता सबूतों के साथ नेतन्याहू विदेशी पत्रकारों को बता रहे थे कि ईरान दुनिया से झूठ बोल रहा है, उसका परमाणु प्रोग्राम अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और 2015 में अमेरिका के साथ हुई अपनी परमाणु संधि की आड़ में वो एटम बॉम्ब बना रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के राजनैतिक और फौजी नेतृत्व के ऊपर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए एक नाम बार बार अपनी जबान पर ला रहे थे। अपने चेहरे पर गंभीरता और आवाज में चेतावनी का भाव लिए इसराइल के प्रधानमंत्री दुनिया से कह रहे थे, रिमेम्बर दैट नेम फकरीजादे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 3 महीने पहले जनवरी की आखिरी रात को मोसाद के कुछ एजेंट तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया में बने एक बड़े से वेयरहाउस के बाहर प्रकट होते हैं। अलार्म सिस्टम को डिसेबल करने के बाद ये एजेंट्स इस वेयरहाउस में लगे 2 स्टील के दरवाजों को तोड़ते हैं और फिर 3600 डिग्री सेल्सियस पर दहक रहे एक ब्लो टॉर्च से इस वेयरहाउस के अंदर रखी दर्जनों सेफ्स को एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं और सुबह के 5 बजने से पहले इन तिजोरियों से लगभग 500 किलोग्राम डॉक्यूमेंट चुरा यहाँ से गायब हो जाते हैं। 31 जनवरी 2018 को सुबह 7 बजे मॉर्निंग शिफ्ट के लीड गार्ड जब इस ईरानी वेयरहाउस में प्रवेश करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात के अंधेरे में मोसाद के एजेंट्स तेहरान के इस वेयरहाउस से लगभग 50,000 डॉक्यूमेंट्स और 183 CDs ले उड़े थे। CDs जिनमें ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े हजारों मेमोज, वीडियोस और ब्लूप्रिंट्स को सेव करके रखा गया था। ईरान के प्रतिष्ठित रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की नाक के ठीक नीचे हुई साइस्ट के बाद मोसाद और इसराइल के परमाणु एक्सपर्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने में लग जाते हैं और ऐसा करते समय एक नाम बार बार उनके सामने आ रहा होता है, मोहसिन फकरीजादे। ईरानी परमाणु प्रोग्राम का जनक कहा जाने वाला एक फौजी वैज्ञानिक जो 2007 से मोसाद के हिट लिस्ट में टॉप पर चल रहा था, ईरान में ओपनहाइमर का दर्जा प्राप्त कर चुका एक न्यूक्लियर इंजीनियर जिसे लाख प्रयासों के बावजूद भी मोसाद अभी तक ऊपर नहीं भेज पाया था। नेतन्याहू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लगभग 2 साल बाद मोसाद चीफ यासी कोहेन फकरीजादे को ऊपर भेजने का एक प्लान तैयार करते हैं, एक अद्वितीय प्लान जिसके तहत दुनिया के इतिहास में पहली बार मोसाद अपने एजेंट्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी के AI का प्रयोग करने वाली थी। एक साईफाई मिशन जिसके लिए मोसाद का टेक्निकल विंग एक हाईटेक फुली ऑटोमेटेड शार्प शूटर तैयार करने वाला था। 600 राउंड्स पर मिनट की रफ्तार से दैत्य काय गोलियां उगलने वाला एक AI प्रोग्राम जो ईरानी ओपनहाइमर के नाम जन्नत का 1-way टिकट काटने वाला था। मोहसिन फकरीजादे का जन्म 1958 में ईरान के धार्मिक शहर कौम में हुआ था। 1979 में जब पहलवी राजवंश के विरुद्ध चल रहा अतिवादी आंदोलन अपने चरम पर था तब 20-22 साल का रहा फकरीजादे इस धार्मिक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। दिसंबर 1979 में जब आयतुल्ला खुमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बना तो उस समय खुमैनी के कट्टर समर्थक रहे फकरीजादे की आंखों में केवल 2 ही सपने पनप रहे थे,
पहला एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना और दूसरा खुमैनी की नई सरकार के फौजी विंग में शामिल होना। खुमैनी के सत्ता में आते ही फखरीजादे IRG ज्वाइन कर लेता है और तेहरान की शायद बहस्ती यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की डिग्री प्राप्त करता है। 1993 में इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो कॉस्मिक रेस के ऊपर PhD करने लगता है और 4 साल बाद इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर साइंसेज डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर पढ़ाना शुरू कर देता है। खुमैनी की तरह अपने हाथ में लाल हकीक पत्थर से जड़ी चांदी की अंगूठी पहनने वाला फखरीजादे जल्दी IRG में जनरल के पद पर पहुंच जाता है और कुछ ही वर्षों के भीतर उसे ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री का रिसर्च डायरेक्टर भी बना दिया जाता है। अपने इस कार्यकाल के दौरान फखरीजादे ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरी निष्ठा और लगन के साथ नेतृत्व करता है, चाहे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए नॉर्थ कोरिया के दौरे करना हो या फिर घरेलू ड्रोन्स बनाने के लिए इजिप्ट के साथ सीक्रेट डील्स करना। फखरीजादे हर वो चीज करता है जो ईरान के जानी दुश्मन इसराइल के अस्तित्व को खाक में मिलाने के लिए आवश्यक थी। न्यूक्लियर और नैनो टेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल वॉर के क्षेत्र में फखरीजादे जल्द ही ईरान के भीतर जनरल कासिम सुलेमानी के बराबर दर्जा प्राप्त कर लेता है, लेकिन सुलेमानी के मुकाबले वो खुद को मीडिया और पब्लिसिटी से हमेशा कोसों दूर ही रखता है। ईरानी सरकार के लिए वो क्या काम करता है इस बारे में ईरान की आम जनता को तो क्या वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी कभी कुछ पता नहीं चलने देता। अपनी परमाणु मिसाइल्स के लिए जब ईरान को प्रतिबंध लगे इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती तो उसका इंतजाम फखरीजादे ही किया करता था। अपनी सामरिक जरूरतों को अवैध तरीके से पूरा करने के लिए उसने लैटिन अमेरिका से लेकर नॉर्थ कोरिया और पूर्वी यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक अंडरग्राउंड स्मगलिंग का एक अत्यंत पेचीदा जाल बिछा लिया था। 2004 में ईरानी परमाणु प्रोग्राम की जाँच करने UN की एक टीम ईरान आती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इस टीम के इंस्पेक्टर्स फखरीजादे से नहीं मिल पाते और ना ही उसकी लेबोरेटरीज और टेस्टिंग फैसिलिटीज के अंदर अपने एक कदम रख पाते हैं। इसी के चलते 2006 में UN सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के साथ साथ फखरीजादे के सारे एसेट्स भी फ्रीज कर दिए जाते हैं। 2012 में US ईरान परमाणु संधि के ऊपर बातचीत शुरू होने से लेकर 2015 में संधि फाइनल होने तक ईरान और अमेरिका के बीच अनेकों मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ईरान का ओपनहाइमर फखरीजादे इनमें से एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेता और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। असल में ईरान को परमाणु डील तो चाहिए थी, लेकिन डील के अंदर लिखी शर्तें नहीं। वो तो अमेरिका और IAEA की आंखों में धूल झोंक एक परमाणु ताकत बनने का सपना देख रहा था और ये सपना हर कीमत पर पूरा करने का जिम्मा फखरीजादे को सौंपा गया था। साल 2008 में उस समय के US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इसराइल के दौरे पर आते हैं और इस दौरान उन्हें इसराइल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट द्वारा तेहरान में हुई एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाती है। कुछ महीने पहले हुई इस मीटिंग में ईरान के 3 ऑफिशियल्स अपने न्यूक्लियर वॉरहेड के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इनमें से एक ऑफिशियल का नाम मोहसिन फखरीजादे था और उसके अनुसार वो परमाणु पेलोड वाली मिसाइल बनाने से केवल कुछ ही साल की दूरी पर था। असल में मोसाद ने जॉर्ज बुश की इस यात्रा से 4 साल पहले यानी 2004 में ही यह कंफर्म कर लिया था कि दुनिया की नजरों से दूर ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरे वेग में आगे बढ़ रहा है। यही वो साल था जब ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज के ऊपर सैबोटेज कैंपेन्स और साइबर अटैक्स का एक अत्यंत भीषण सिलसिला शुरू हो जाता है। इन हमलों से ईरान के परमाणु मिशन को हल्की फुल्की चोट तो पहुंचती है, लेकिन वैसा आघात नहीं होता जैसा कि मोसाद ने सोचा हुआ था। इसीलिए 2007 से उसके द्वारा ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को एक एक करके टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। आने वाले कुछ वर्षों में मोसाद द्वारा ईरान के 5 बड़े वैज्ञानिकों को ऊपर भेज दिया जाता है और कुछ को हमेशा हमेशा के लिए व्हीलचेयर में। इन वैज्ञानिकों में से ज्यादातर फखरीजादे के लिए ईरान के कोवर्ट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, एक छोटे साइज का ऐसा परमाणु वॉरहेड बनाना जिसे लॉन्ग रेंज मिसाइल की सहायता से इसराइल के ऊपर दागा जा सके। ईरान के परमाणु सपने को चकनाचूर करने के लिए मोसाद आए दिन उसके वैज्ञानिकों और जनरल्स के ऊपर हमले कर रहा था, जिनमें से कुछ सफल हो रहे थे तो कुछ विफल, और कुछ हमले तो ऐसे थे जिन्होंने ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तेहरान से लगभग 30 मील दूर बिदकाने नामक एक गांव में ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल फैसिलिटी बनी हुई है। शायद मोदारिस मिसाइल बेस नामक इस अत्यंत आधुनिक फैसिलिटी में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और आर्टिलरी के ऊपर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। ईरान की बाकी टॉप सीक्रेट फैसिलिटीज की तरह इस बेस की सुरक्षा भी IRG कमांडोज के ही जिम्मे है और 12 नवंबर 2011 की सुबह इन कमांडोज की संख्या को अचानक 2 गुना कर दिया जाता है।
आज की दोपहर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को जन्म देने वाला जनरल हसन तेहरानी मुकद्दम यहाँ के दौरे पर आने वाला था। ईरान को उसका पहला रॉकेट देना हो या फिर यूरोप के किसी भी देश तक पहुँचने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल। पढ़ाई से इंजीनियर मुकद्दम ईरान के लिए एक के बाद एक कई अत्यंत आधुनिक हथियार बना चुका था। 1980 में IRG ज्वाइन करने से लेकर आज तक वो हर पल हर क्षण इसराइल और अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करता आ रहा था, और अपनी इसी तैयारी का जायजा लेने आज की दोपहर उसे इस गांव में आना था। दोपहर को लगभग 1:10 पर बिदकाने गांव की बाउंड्री पर तैनात IRG के गार्ड्स अपने रेडियो पर एक कोडेड संदेश भेजते हैं। सफेद घोड़ा खेत के अंदर आ गया है। I repeat, सफेद घोड़ा खेत के अंदर आ गया है। ये मैसेज मिलते ही शायद मिसाइल बेस के मेन गेट को खोल दिया जाता है, और ठीक 10 मिनट बाद जनरल मुकद्दम का हथियारबंद काफिला इस बेस के अंदर प्रवेश कर जाता है। 1:25 पर जनरल मुकद्दम की गाड़ी फैसिलिटी की पार्किंग में जाकर रुक जाती है, और एक बॉडीगार्ड जैसे ही जनरल मुकद्दम का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, एक हाई इंटेंसिटी का धमाका इस मिसाइल बेस को मलबे में तब्दील कर देता है। शायद मुदारिस मिसाइल बेस में हुआ धमाका इतना भीषण था कि इस गांव में बने सभी घरों की खिड़कियां पूरी तरह चकनाचूर हो जाती हैं, और 30 मील दूर तेहरान तक सुनाई दिए इस धमाके में जनरल मुकद्दम समेत IRG के कुल 17 फौजी मारे जाते हैं। देश की सबसे बड़ी मिसाइल फैसिलिटी में हुआ धमाका ईरान के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देता है। पिछले केवल 2 सालों के भीतर यानी कि 2010 से 2012 के बीच ईरान की रिफाइनरीज और गैस पाइपलाइंस पे होने वाले धमाकों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई थी, और इसके बावजूद भी ईरान की सरकार ये दावा कर रही थी कि बिदकाने में हुआ धमाका मात्र एक एक्सीडेंट था और इसमें विदेशी ताकतों का कोई हाथ नहीं। लेकिन ईरान और इसराइल के मामलों की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स को पक्का विश्वास था कि यह धमाका अपने आप नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे मोसाद का हाथ था। मोसाद द्वारा तैयार की गई ईरान के फौजी वैज्ञानिकों के हिट लिस्ट में से एक और नाम को मिटा दिया गया था, लेकिन फकरीजादे की सांसें अभी भी चल रही थीं। ईरान में एक्टिव मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स उसकी हर गतिविधि को ट्रैक कर रहे थे और कई बार उसे ऊपर भेजने का प्रयास भी कर चुके थे। मार्च 2009 की एक सुबह मोहसिन फकरीजादे तेहरान स्थित अपने घर से इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था, जहां उसे आज कुछ क्लासेस पढ़ानी थी। पिछले 8 महीनों से मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स उसके दिनचर्या का अत्यंत गहन अध्ययन कर रहे थे। उनको अच्छे से पता था कि वह हफ्ते में कब कब और कितनी बार यूनिवर्सिटी जाता है, बाकी दिनों में डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कितने बजे निकलता है, और वीकेंड पर परिवार के साथ अपने आलीशान वेकेशन हाउस में कितना समय गुजारता है। कई महीनों की थका देने वाली मेहनत के बाद मोसाद इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यूनिवर्सिटी जाते समय उसकी सिक्योरिटी सबसे हल्की होती है, और इस रूट पर कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां उसे आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ईरान के अन्य टॉप वैज्ञानिकों और जनरल्स की तरह फकरीजादे की सिक्योरिटी का जिम्मा भी IRG के ही पास था। IRG के 6 हाईली ट्रेंड कमांडोज हर क्षण एक साई की तरह उसके साथ चिपके रहते थे, और 8 महीने पहले इन्हीं में से कमांडो को मोसाद ने अपना एसेट बना लिया था। IRG के लिए काम करने वाले इस कमांडो को कोड नेम दिया गया था व्हाइट वुल्फ। 34 वर्षीय शादीशुदा 3 बच्चों का बाप व्हाइट वुल्फ IRG में एक मेजर था, और ईरान के बाकी जवान मर्दों की तरह उसने भी कई शौक पाले हुए थे, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना और घर के बाहर 2-4 अफेयर्स चलाना। और यहीं पर व्हाइट वुल्फ अपने जीवन में एक छोटी सी समस्या से जूझ रहा था। घर के बाहर चल रहे उसके अफेयर्स औरतों के साथ नहीं बल्कि मर्दों के साथ चल रहे थे। मोसाद को ये बात पता चल गई थी, और व्हाइट वुल्फ जानता था कि अगर उसका सीक्रेट लीक हो गया तो ईरानी कानून के अनुसार उसके लिए केवल एक ही सजा होगी, मृत्युदंड। यही कारण था कि आज मार्च 2009 में व्हाइट वुल्फ मोसाद को फकरीजादे के हर मूवमेंट की जानकारी दे रहा था, और इसी जानकारी के आधार पर मोसाद ने फकरीजादे को ऊपर भेजने के लिए 16 मार्च 2009 का दिन फाइनल किया था। मोसाद के हिट यूनिट की दौन के 4 एजेंट्स कई यूरोपियन देशों से होते हुए 15 मार्च 2009 के दिन ईरान पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से उन्हें सीधा तेहरान के बाहरी इलाके में स्थित एक सेफ हाउस ले जाया जाता है, जहां उनके लिए 2 मोटरसाइकिल्स, कुछ विस्फोटक, मैग्नेट्स और अन्य सामग्री का इंतजाम भी किया गया था, सामग्री जिसका प्रयोग कर इन एजेंट्स को 2 छोटे-छोटे बॉम्ब तैयार करने थे।
प्लान के अनुसार फकरीजादे को 16 मार्च की सुबह यूनिवर्सिटी के रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर टारगेट किया जाना था। उसकी गाड़ी के लोकेशन पर पहुंचने से कुछ मिनट पहले मोसाद के लोकल एसेट्स को चौराहे पर ट्रैफिक जाम लगवाना था और फकरीजादे के जाम में फंसते ही मोटरसाइकिल्स पर सवार के दोनों एजेंट्स को उसकी गाड़ी के दोनों तरफ बॉम्ब्स प्लांट करने थे और ऐसा करते ही गाड़ी से दूर जाने के लिए उनके पास मात्र 30 सेकंड का समय होने वाला था, क्योंकि ठीक 30 सेकंड बाद बॉम्ब्स में लगा टाइमर और फकरीजादे की सांसें दोनों ही रुकने वाली थीं। 16 मार्च 2009 को सुबह 4 बजे उठ के दोनों एजेंट्स अपने मिशन की फाइनल तैयारी में लग जाते हैं। फकरीजादे की सुरक्षा में तैनात व्हाइट वुल्फ के अनुसार वो 8 बजे अपने घर से निकलने वाला था। उसकी गाड़ी में ड्राइवर समेत दो और उसके पीछे वाली गाड़ी में व्हाइट वुल्फ के अलावा 3 कमांडोज और होने वाले थे। आमतौर से फकरीजादे को उस चौराहे तक पहुंचने में 25 से 30 मिनट का समय लगता था, इसीलिए कि दोनों एजेंट्स को 8 बजे तक उस चौराहे से थोड़ी दूर पहुंच अपनी पोजीशंस लेनी थी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के अनुसार ही जा रहा था। अपना सामान पैक कर रहे कि दोनों एजेंट्स बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी सेफ हाउस के लॉकर में रखा फोन बजने लगता है। ये आवाज सुनते ही चारों एजेंट्स का भाव पूरी तरह बदल जाता है और वो घबराहट के मारे एक दूसरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि इस फोन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव से ही कॉल आ सकती थी। 2-3 बार बजने के बाद जैसे ही किदोन एजेंट फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक अत्यंत घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। क्या आप 2 किलो आइसक्रीम डिलीवर कर सकते हैं? काफी ज्यादा अर्जेंट है, हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं और हमें अभी के अभी आइसक्रीम चाहिए। ये सुनते ही फोन नीचे रख चारों एजेंट्स बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर उनके सारे पार्ट्स अलग कर देते हैं और दोनों मोटरसाइकिल्स को आग लगाने के बाद तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तेल अवीव से आई उस कॉल में बोला गया वो शब्द आइसक्रीम एक कोडवर्ड था, जिसका मतलब था कि बिना कोई सवाल पूछे अभी के अभी मिशन को अबॉर्ट करो और तुरंत ईरान से बाहर निकल जाओ। हुआ कुछ यूं था कि व्हाइट वुल्फ ने मोसाद को डबल क्रॉस कर दिया था। टारगेट लोकेशन पर पहुंचने के बाद किदोन एजेंट्स को फकरीजादे नहीं बल्कि उसकी जगह घात लगाकर बैठे IRG के कमांडोज मिलने वाले थे। आज सुबह 5 बजे से ही टारगेट लोकेशन के आसपास सामान्य से काफी ज्यादा गतिविधि हो रही थी और मोसाद की सैटेलाइट ने इसे कैप्चर कर लिया था। ग्राउंड पर मौजूद मोसाद के लोकल एसेट्स के अनुसार सादे कपड़े पहने कुछ अनजान चेहरे बार बार उस चौराहे के आसपास दिखाई दे रहे थे और एक आर्मी हेलीकॉप्टर को भी कई बार ऊपर चक्का लगाते हुए देखा गया था। मोसाद के इस विफल प्रयास के बाद फकरीजादे की सुरक्षा को कई गुना और बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी इसराइल द्वारा ईरान के अंदर चलाए जा रहे सैबोटाज मिशंस में कोई कमी नहीं आती। आए दिन मोसाद के एजेंट्स किसी न किसी ईरानी फैसिलिटी के ऊपर वायरस या फिर धमाकों से हमला करते रहते हैं। हर साल ईरान का कोई ना कोई जाना माना वैज्ञानिक कैसे न कैसे मारा जा रहा होता है। इसराइल की समस्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी फुल स्पीड में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बर्बाद करने में लगी होती है कि अचानक उनके सामने एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पीड ब्रेकर जिसका नाम था बराक हुसैन ओबामा। Obama. 2012 में जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु संधि के ऊपर नेगोशिएशन शुरू होती हैं, तो ओबामा के व्यक्तिगत आग्रह करने पर इसराइल द्वारा ईरान में चल रहे अपने सैबोटाज मिशंस को पॉज कर दिया जाता है। जुलाई 2015 में बराक ओबामा ईरान डील के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। JCPOA नामक इस डील के तहत ईरान अपने मीडियम एनरिच यूरेनियम के भंडार को पूरी तरह नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा वो अगले 13 वर्षों के लिए अपने सेंट्रीफ्यूज की संख्या को 2/3 तक कम करने का वचन भी दुनिया को देता है, वचन जिसके ऊपर अमेरिका और IAEA तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इसराइल ईरान के इन थोते वादों पर एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं करता। जनवरी 2017 में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनते हैं। इसके ठीक एक साल बाद मोसाद द्वारा वेयरहाउस हाइस्ट में ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े आधा टन डॉक्यूमेंट चुराए जाते हैं। 30 अप्रैल 2018 के दिन इन डॉक्यूमेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया को चेतावनी देते हैं। Remember that name, Fakhrizadeh. और इसके एक हफ्ते बाद 8 मई 2018 के दिन डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से ईरान के साथ की गई परमाणु डील को रद्द कर देते हैं। We have definitive proof that this Iranian promise was a lie. Last week, Israel published intelligence documents. 2019 के अंत और 20 की शुरुआत में इसराइल और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स के बीच एक के बाद एक कई हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और CIA डायरेक्टर जीना हेस्पेल के सामने मोसाद चीफ यासी कोहेन द्वारा ईरान में चल रहे परमाणु प्रोग्राम के पुख्ता सबूत रखे जाते हैं। US के साथ हुई ईरान की परमाणु डील को तो इसराइल ने सफलतापूर्वक रद्द करवा दिया था और अब वो उसके परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए अपने सबोटाज मिशंस को एक बार फिर शुरू करने का प्लान बना रहा था। इसी के चलते फरवरी 2020 के अंत में मोसाद चीफ द्वारा अमेरिकन्स के सामने कई संभावित ऑपरेशंस की एक सूची रखी जाती है और इसमें फकरीजादे का नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। यासी कोहेन फकरीजादे को ठिकाने लगाना चाहते थे और अमेरिका को मनाने के लिए उन्हें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसका कारण था जनरल कासिम सुलेमानी। IRG की 5 ब्रांचेस में से एक कुछ फोर्स के कमांडर सुलेमानी को खुमैनी के बाद ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता था। 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान एक हीरो बनकर उभरा सुलेमानी इराक में अमेरिका से लड़ रहे फाइटर्स को हर संभव सहायता उपलब्ध कराता आ रहा था। वो इसराइल से कहीं ज्यादा अमेरिका से नफरत करता था और पिछले 2 दशकों के दौरान कई बार उसके ऊपर आघात कर चुका था। चाहे दिसंबर 2019 में बगदाद स्थित US एम्बेसी का अटैक हो या फिर अमेरिका की उपस्थिति वाले K1 एयरबेस के ऊपर 3 दर्जन रॉकेट्स दागना, जनरल सुलेमानी अनेकों अमेरिकन फौजियों और सिविलियंस की मृत्यु के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार था। 3 जनवरी 2020 की रात को 12:32 पर डमास्कस से आ रही सुलेमानी की फ्लाइट बगदाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है और ठीक इसी समय US एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट और एक MQ-9 रिपर ड्रोन आकाश में मंडराना शुरू कर देते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकल सुलेमानी और इराक के PMF के कई बड़े नेता एक टोयोटा एवेलॉन और हुंडई स्टारेक्स में बैठ अपने गंतव्य के लिए निकल जाते हैं और ठीक 12:47 पर आकाश में उड़ रहा रिपर ड्रोन एक के बाद एक कुल 4 हेलफायर मिसाइल्स फायर कर देता है। इन चारों में से एक भी मिसाइल अपने टारगेट से नहीं चूकती और इनसे हुए धमाकों में कासिम सुलेमानी समेत कुल 10 लोग मारे जाते हैं। अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को खोने के बाद ईरान अमेरिका से बदले लेने के बड़े बड़े दावे करता है और इराक में स्थित कुछ अमेरिकन बेसिस के ऊपर हवाई हमले भी, हमले जिनमें एक भी अमेरिकन फौजी को एक खरोंच तक नहीं आती। अमेरिका और इजराइल समझ जाते हैं कि ईरान सिर्फ गरज रहा है और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। उनके मूल्यांकन के अनुसार या तो ईरान कड़ा प्रत्युत्तर देने से हिचकिचा रहा था या फिर ऐसा करना उसके बस की बात ही नहीं थी और आने वाले समय में उनका यह मूल्यांकन बिल्कुल सटीक साबित होता है। अपने इतने बड़े हीरो की मृत्यु के बाद ईरान की ऐसी गुनगुनी प्रतिक्रिया अमेरिका के हौसले काफी ज्यादा बुलंद कर देती है और यही कारण था कि सुलेमानी के केवल 1.5 महीने बाद उसने फकरीजादे को खत्म करने वाले इजरायली प्लान के ऊपर अपनी मोहर इतनी आसानी से लगा दी थी। अमेरिका से हरी झंडी मिलते ही फकरीजादे के ऊपर चल रही मोसाद की सर्वेलेंस टॉप गियर में चली जाती है और इस सर्वेलेंस से पता चलता है कि सुलेमानी के ऊपर हुए ड्रोन हमले के बाद फकरीजादे की सुरक्षा को लॉकडाउन मोड में डाल दिया गया है, जिसका मतलब ये था कि अब उसकी सुरक्षा का जिम्मा IRG की सबसे घातक ब्रांच अंसार यूनिट को सौंप दिया गया था और ये मोसाद के लिए कतई अच्छी खबर नहीं थी। प्रेसिडेंशियल सुरक्षा में डिप्लॉय किए जाने वाले अंसार यूनिट के कमांडोज को मरने मारने के लिए तैयार किया जाता है। बाकी यूनिट्स के मुकाबले उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा सख्त होती है और उन्हें हथियार भी सबसे आधुनिक दिए जाते हैं। फकरीजादे की सुरक्षा में तैनात अंसार यूनिट के कमांडोज इनक्रिप्टेड चैनल्स पर कम्युनिकेट कर रहे थे और उसके काफिले में कभी 4 तो कभी 7 गाड़ियां हुआ करती थीं। फकरीजादे को खुद ड्राइव करना पसंद था और इसके लिए उसे 5 गाड़ियां दी गई थीं। लेकिन वो कौन सी गाड़ी से कब कहां किस रूट से होते हुए जाएगा, ये सारी डिटेल्स उसके गार्ड्स लगातार चेंज कर रहे थे। इस नई जानकारी का मतलब था कि मोसाद का काम अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। ईरानी वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाने के लिए वो अब तक कई तरीकों का प्रयोग कर चुका था, जैसे कि 2007 में मारे गए सबसे पहले साइंटिस्ट को एक विशेष जहर दिया गया था, 2010 में दूसरे वैज्ञानिक को मोटरसाइकिल बॉम्ब से ऊपर भेजा गया था। लेकिन इस मिशन की प्लानिंग अत्यंत पीड़ादायक साबित हुई थी। मिशन के बाद एक ईरानी एसेट को गिरफ्तार कर लिया गया था और कई महीनों तक यातनाएं देने के बाद उसे फांसी पर टांग दिया गया था। यही कारण था कि 2010 के बाद से मोसाद ने इन मिशंस के एग्जीक्यूशन को बहुत ज्यादा सरल बना दिया था। 2010 से 2012 के बीच मोसाद ने 4 ईरानी वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाया था। इनमें से 2 को मोटरसाइकिल सवार शूटर्स ने गोलियां मारी थीं,
जबकि बाकी दो मिशन में ट्रैफिक जाम का फायदा उठा वैज्ञानिकों की गाड़ियों पर छोटे वाले बॉम्ब प्लांट किए गए थे। लेकिन आज 2020 में ईरान अपनी इन गलतियों से काफी हद तक सीख चुका था। हर यात्रा के दौरान अंसारी यूनिट के कमांडोज किसी भी मोटरसाइकिल को काफिले के आसपास तक नहीं आने दे रहे थे और इसीलिए मोटरसाइकिल मेथड का प्रयोग करना अब लगभग असंभव हो गया था। इन्हीं सारी मुश्किलों के चलते मोसाद द्वारा निर्णय किया जाता है कि फकरीजादे के काफिले से थोड़ी दूरी पर एक धमाका करवाया जाएगा, जिसके चलते काफिले को रुकना पड़ेगा और ऐसा होते ही अपनी पोजीशंस पर घात लगाकर बैठे स्नाइपर्स उसे छलनी कर देंगे। लेकिन किसी गैंग वॉर जैसे इस प्लान में सिविलियंस के मारे जाने की काफी ज्यादा संभावना थी, इसीलिए 2-3 दिन चर्चा करने के बाद इस प्लान को भी कैंसिल कर दिया जाता है। अगले कई हफ्तों तक माता पच्ची करने के बाद मोसाद द्वारा अपने प्रधानमंत्री के सामने किसी साईफाई फिल्म जैसा एक हाईटेक प्लान प्रस्तुत किया जाता है। इस प्लान के तहत रिमोट कंट्रोल से चलने वाली यानी एक आरसी मशीन गन का प्रयोग किया जाना था। रिमोट से चलने वाली मशीन गन्स कोई नया आविष्कार नहीं था और कई देशों की फौजें इन्हें इस्तेमाल भी कर रही थीं। लेकिन एक कोवर्ट मिशन के लिहाज से सबसे बड़ी समस्या थी इस बंदूक का वजन और साइज। एक इतनी बड़ी भारी भरकम मशीन गन को छुपाकर ईरान ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा और सबसे पहला चैलेंज था। अगला चैलेंज ये था कि फायर करने के लिए ऑपरेटर का आरसी मशीन गन के आसपास होना आवश्यक होता था। इस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में नहीं थी जिसका प्रयोग कर एक आरसी गन को हजारों मील की दूरी से फायर किया जा सके। दो हजार बीस में गर्मियों का आगमन हो चुका था। समय हाथ से रेत की तरह निकला जा रहा था। इधर फकरीजादे की सांसें अभी भी चल रही थी और उधर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने को आ गया था। इस बात की पूरी पूरी संभावना थी कि 6 महीने बाद होने वाले इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और यही चिंता बेंजामिन नेतन्याहू को दिन रात खाई जा रही थी। वो जानते थे कि यदि ट्रंप की हार हुई तो जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे और बाइडेन कई बार ये घोषणा कर चुके थे कि व्हाइट हाउस में आते ही वो ट्रंप के निर्णय को रिवर्स कर 2015 वाली ईरान डील को दोबारा लागू कर देंगे। ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक को मारने का मतलब था मिडल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात पैदा करना, इसीलिए बिना अमेरिकी आशीर्वाद के इस काम को करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। नेतन्याहू जानते थे कि उन्हें कुछ भी करके बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले पहले ही फकरीजादे को ऊपर भेजना होगा। मतलब ये कि हजारों मील की दूरी से बंदूक चलाने वाली टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए मोसाद के पास केवल 6 महीने का समय था। ये मोसाद का एक बहुत पुराना रूल है और इसे हर कीमत पर फॉलो किया जाता है। इसका मतलब है कि हर ऑपरेशन के लिए एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान तैयार करना जो सभी एजेंट्स को सुरक्षित उनके घर वापस पहुंचा सके। वैसे भी एक मिशन पूरा होने के बाद फील्ड में एजेंट्स का ना होना अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को इसराइल के पक्ष में कर देता है। यही कारण था कि रोबोटिक मशीन गन वाले प्लान को सुनते ही बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत हाँ कर देते हैं। लेकिन एक विशाल अनटेस्टेड कंप्यूटर से चलने वाली गन का फील्ड में इस्तेमाल करना अपने आप में कई चुनौतियों को अंजाम दे रहा था। और सबसे पहली चुनौती ये थी कि इस बंदूक को ईरान के अंदर टारगेट लोकेशन तक आखिर कैसे ले जाया जाएगा। अपने इस मिशन के लिए इसराइल ने बेल्जियन मेड एफएन मैग मशीन गन को चुना था, जिसे एक अत्यंत आधुनिक रोबोटिक उपकरण के साथ अटैच किया जाना था। इस रोबोटिक उपकरण और बंदूक दोनों को एक साथ ईरान के सबसे लोकप्रिय पिकअप ट्रक जामियात के पीछे माउंट किया जाना था। इसलिए ट्रक की बॉडी पर इंस्टॉल करने के लिए 12 विशेष हाई पावर्ड कैमरे भी डिजाइन किए जाते हैं। कैमरे जिनकी सहायता से फकरीजादे और उसकी सिक्योरिटी डिटेल ही नहीं बल्कि आसपास से गुजरने वाली हर छोटी चीज और गतिविधि को रियल टाइम में तेल अवीव के कमांड सेंटर से देखा जा सकता था। काम पूरा होने के बाद ईरानी अथॉरिटीज को इस रोबोट का कोई नामो निशान न मिल पाए, इसलिए ट्रक के नीचे विस्फोटक भी प्लांट किया जाना था। विस्फोटक जिसे रिमोट कंट्रोल की सहायता से तेल अवीव कभी भी डेटोनेट कर सकता था। यूनिट 8200 का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था 2000 किलोमीटर की दूरी से बंदूक के साथ कम्युनिकेट करना, और इस काम के लिए इसराइल की अत्यंत आधुनिक स्पाई सैटेलाइट ओफेक 11 का चुनाव किया जाता है। इसका मतलब ये था कि ईरान में इंस्टॉल्ड रोबोटिक गन और तेल अवीव के कमांड सेंटर के बीच ये सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन हब का काम करने वाली थी, और यहीं पर इसराइली प्रोग्रामर्स के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौतियां खड़ी होती है। प्लान के अनुसार कंट्रोल रूम में बैठे एक स्नाइपर को अपने सामने लगी स्क्रीन पर देखते हुए रिमोट कंट्रोल से रोबोटिक गन को ऑपरेट करना था। वैसे तो सैटेलाइट की सहायता से बंदूक के रोबोट और कंट्रोल रूम के बीच लाइट की स्पीड से बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन में हल्का सा डिले आ रहा था। यानी कि स्नाइपर अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहा था वो उस तक पहुंचते पहुंचते कुछ क्षण पुरानी हो जाती थी।
टेस्टिंग के दौरान रोबोट द्वारा ली गई इमेजेस को स्नाइपर तक पहुंचने में और स्नाइपर के रिस्पांस को रोबोट तक पहुंचने में 1.6 सेकंड्स का डिले आ रहा था, और वो भी तब जब इसमें स्नाइपर के रिएक्शन टाइम को नहीं जोड़ा गया था। कहने का मतलब ये कि स्नाइपर द्वारा ट्रिगर दबाए जाने के लगभग 1.5 सेकंड बाद बंदूक फायर कर रही थी। इतने समय में टारगेट अपनी पोजीशन चेंज कर सकता था और गोली अपने निशाने से चूक भी सकती थी। इस समस्या को हल करने के लिए इसराइल के AI इंजीनियर्स द्वारा लैग कॉम्पनसेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। रोबोट सर्वर के प्रोग्राम्स में कोड की कुछ लाइंस ऐड की जाती हैं, जो इस लैग को स्नाइपर के इनपुट में ऐड करने लगती हैं। कहने का मतलब ये कि अब स्नाइपर से इनपुट मिलते ही लोकेशन से आ रहे वीडियो को सर्वर उस पॉइंट तक रिवाइंड करने लगता है जब स्नाइपर ने वास्तव में ट्रिगर दबाया। उस पॉइंट के 1.6 सेकंड के भीतर टारगेट की पोजीशन में जितने भी संभावित बदलाव हो सकते थे उन्हें रोबोट के AI प्रोग्राम द्वारा रियल टाइम में कैलकुलेट किया जाने लगता है, और इस बदलाव के अनुसार बंदूक की पोजीशन को एडजस्ट कर ये रोबोट अब अपने आप फायरिंग करने लगता है। कहने का मतलब ये कि स्नाइपर द्वारा ट्रिगर दबाए जाने के बाद अगले 1.6 सेकंड में यदि गाड़ी के अंदर बैठे फकरीजादे की पोजीशन में कोई भी बदलाव आता तो बंदूक का रोबोट उसकी नई पोजीशन को लॉक कर बिना स्नाइपर से पूछे अपने आप उसके ऊपर फायर कर देता। टाइम लैग की चुनौती को हल करने के बाद भी मशीन गन को फायर करने में मोसाद के सामने कई प्रॉब्लम्स आ रही थीं। एक खड़े हुए ट्रक के पीछे से फायर करने में भी इतनी बड़ी मशीन गन काफी ज्यादा हिल रही थी, और इसकी वजह से गोली की ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा सा चेंज आ रहा था। इस प्रॉब्लम से निमटने के लिए सिनेमा गियर बनाने वाली एक अमेरिकन कंपनी से मदद ली जाती है। इस कंपनी के साथ मिल इजरायली इंजीनियर्स द्वारा एक विशेष जायरो स्टेबलाइज्ड गिम्बल डिजाइन किया जाता है, जिसके बाद बंदूक और रोबोट दोनों को ही गिम्बल के ऊपर माउंट कर ट्रक के पीछे अटैच कर दिया जाता है, और ऐसा करने से बंदूक के रिकॉइल से पैदा होने वाले झटके और कंपन में 80-90% तक की कमी आ जाती है। यूनिट 8200 के प्रोग्रामर्स के सामने खड़ा सबसे आखिरी चैलेंज था फकरीजादे की रियल टाइम में पहचान करना, ये कंफर्म करना कि वो ही अपनी गाड़ी चला रहा है, उसकी बीवी कोई बेटा या बॉडीगार्ड नहीं। मोसाद को इस बात का अच्छे से आभास था कि यदि ऑपरेशन के दौरान फकरीजादे की जगह उसकी पत्नी या बेटा मारा गया तो बैठे बिठाए ही एक डिप्लोमेटिक तूफान खड़ा हो जाएगा। अमेरिका इसराइल से कन्नी काट लेगा और ना चाहते हुए भी उसे ईरान में चल रही अपनी सभी कोवर्ट गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ेगा। इसके लिए इसराइल के AI प्रोग्रामर्स द्वारा बंदूक के रोबोटिक उपकरण को आज तक की सबसे एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी दी जाती है, और इसके लिए मोसाद के डेटाबेस में मौजूद फकरीजादे की 2000 से भी ज्यादा इमेजेस का प्रयोग किया जाता है। 7.62 mm के डेथ टेकाई राउंड फायर करने वाली इस बंदूक के रोबोट में एक थर्मल कैमरा और लेजर फाइंडर भी लगाया जाता है, जिससे कि आइडेंटिफाई करने के बाद बंदूक की नली को टारगेट के ऊपर लॉक किया जा सके। लेकिन इतना सब करने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। वो बंदूक को फायर करने से पहले इस बात की 100% गारंटी चाहते थे कि ड्राइवर सीट पर फकरीजादे ही बैठा हुआ है। इसी के चलते निर्णय लिया जाता है कि फकरीजादे के रूट पर एक 3 पहियों वाले पुराने से निसान ट्रक को जैक लगाकर खड़ा किया जाएगा। इस ट्रक के अंदर एक हाई पावर्ड जूम वाला कैमरा लगा होगा जो फकरीजादे की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर कर तेल अवीव भेजेगा। मशीन गन और उसके रोबोट को पूरी तरह असेंबल करने के बाद एक जामिया ट्रक के पीछे लगा दिया जाता है, जिसके बाद अगले कई दिनों तक 24/7 टेस्ट फायरिंग की जाती है, और जब संतोषजनक नतीजे बार बार आने लगते हैं तो इस पूरे रोबोटिक पैकेज को जितना हो सके उतने छोटे टुकड़ों में विघटित कर दिया जाता है, जिससे कि इन्हें मोसाद के एजेंट्स यूरोप, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए ईरान के अंदर स्मगल कर सकें। रोज की तरह 27 नवंबर 2020 को भी सुबह 5 बजे उठ फकरीजादे थोड़ी देर कुरान पढ़ता है और फिर नहा धोकर तैयार होने में लग जाता है। आज की दोपहर वो और उसकी पत्नी रुस्तम कला स्थित अपने घर से ड्राइव करके अपसर जाने वाले थे। शहर की दौड़ भाग से दूर एक ग्रामीण कस्बा जहां फकरीजादे ने अपने लिए एक आलीशान वेकेशन हाउस बनाया हुआ था। अपने परिवार के साथ हर वीकेंड वो इसी घर में बिताया करता था। देश के टॉप वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार IRG और ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस फकरीजादे को कई बार सतर्क कर चुके थे, लेकिन फिर भी अफसर जाने के लिए वो खुद ही अपनी गाड़ी चलाया करता था, और हर बार उसकी पत्नी या 3 बेटों में से कोई ना कोई इस यात्रा में उसके साथ होता ही था।
27 नवंबर 2020 की दोपहर को वो और उसकी पत्नी अपनी निसान टियाना गाड़ी में बैठ अपने वैकेशन हाउस के लिए निकल जाते हैं, जहां उनका सबसे बड़ा बेटा हामिद पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। अंसार यूनिट के हथियारबंद कमांडो से लैस दो गाड़ियां निसान टियाना के पीछे और एक आगे आगे दौड़ने लगती है। दोपहर के लगभग 3:30 बजे फकरीजादे का काफिला फिरोजको रोड पर बने यूटर्न के पास पहुंच जाता है। यूटर्न जिससे 100 मीटर आगे मोसाद द्वारा जैक लगाकर उस निसान ट्रक को खड़ा किया गया था। यूटर्न लेने के लिए फकरीजादे का काफिला बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है और निसान ट्रक में लगा हाई पावर्ड कैमरा उसका वीडियो बना तेल अवीव भेजने लगता है। इस वीडियो की सहायता से केवल 5 सेकंड के अंदर ये कन्फर्म हो जाता है कि फकरीजादे ही अपनी गाड़ी चला रहा है और उसकी पत्नी उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी हुई है। यूटर्न लेने के बाद जैसे ही फकरीजादे का काफिला दाएं मोड़ इमाम खुमेनी रोड पर आता है, सबसे आगे वाली सिक्योरिटी कार तेज रफ्तार से अपसर्द के लिए निकल जाती है, जहां प्रोटोकॉल के अनुसार फकरीजादे के पहुंचने से पहले कमांडोज को उसके वैकेशन हाउस का सिक्योरिटी इंस्पेक्शन करना था। इस कार के जाने से फकरीजादे की निशान टियाना सामने से पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। इमाम खुमेनी रोड के जिस स्पॉट पर रोबोटिक गन लगे जामिया ट्रक को पार्क किया गया था, उससे ठीक पहले एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ था। इस ब्रेकर के आते ही एक बार फिर फकीरजादे का काफिला काफी ज्यादा धीमा हो जाता है और ठीक इसी समय एक कुत्ता भी सड़क क्रॉस करने लगता है। इधर फकीरजादे की नजर इस कुत्ते पर पड़ती है और उधर जामिया ट्रक के पीछे लगी रोबोटिक मशीन गन से निकली गोलियों की एक झड़ी सीधा उसकी गाड़ी से आकर टकरा जाती है। गोलियां लगते ही फकीरजादे की गाड़ी हल्का सा घूमते हुए रुक जाती है। तेलावी में बैठा स्नाइपर अपनी स्क्रीन की साइड्स को एडजस्ट कर एक बार फिर ट्रिगर दबाता है और इस बार 3 राउंड्स निसान टियाना के विंडस्क्रीन के आर पार हो जाते हैं। गोलियां लगते ही फकरीजादे लड़खड़ाता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है और किसी तरह नीचे झुक दरवाजे के पीछे छिप जाता है। इस पॉइंट पर पीछे वाली कार से हामिद असगरी नामक एक कमांडो, जो फकरीजादे की सिक्योरिटी डिटेल का हेड होने के साथ साथ ईरान का नेशनल जूडो चैंपियन भी था, नीचे उतरता है और शूटर्स को ढूंढने के लिए दाएं बाएं देखता हुआ फकरीजादे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बॉस तक पहुंच पाता, मशीन गन से निकली 3 और गोलियां फकरीजादे की रीढ़ में घुस जाती हैं। वो आटे की बोरी की तरह नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और ये देख चिल्लाती हुई उसकी पत्नी गाड़ी से बाहर निकल आती है और अपने पति का सर अपनी गोदी में रख जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इस समय तक फकरीजादे के काफिले में मौजूद सभी कमांडोज नीचे उतर शूटर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बदहवास हो चुके ईरान के लीड कमांडो सरकटे मुर्गों की तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई शूटर दिखाई नहीं देता कि तभी इनमें से एक की नजर थोड़ी दूरी पर खड़े उस जामियाद ट्रक के ऊपर पड़ती है। अपनी गन को रेडी टू फायर पोजीशन में डाल जैसे ही कमांडो इस ट्रक की तरफ चलना शुरू करता है, तेलवी में बैठा स्नाइपर अपने रिमोट कंट्रोल में लगा एक और बटन दबा देता है। ठीक 1.6 सेकंड की डिले के बाद एक जोर का धमाका होता है और ट्रक के साथ साथ 6 महीनों की मेहनत से बनाई गई इस रोबोटिक गन के छोटे छोटे टुकड़े हाईवे के ऊपर बारिश बन के बरसने लगते हैं। इंटेलिजेंट सैटेलाइट सिस्टम और एआई की सहायता से किया गया ऑपरेशन केवल 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया था। ऑपरेशन के दौरान कुल 15 गोलियां फायर की गई थी और इनमें से एक भी फकरीजादे की पत्नी को नहीं लगी थी। फकरीजादे की पत्नी सदीके जो उससे केवल कुछ ही इंच की दूरी पर बैठी हुई थी। सुलेमानी के केवल 1 महीने बाद एक और दिग्गज वैज्ञानिक के मारे जाने से पूरे ईरान में तहलका मच जाता है। IRG की सबसे एलिट यूनिट की सुरक्षा में होने के बावजूद भी ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक को दिन दहाड़े ठोक दिया गया था और ये बात आम लोगों के गले नहीं उतर रही थी। ईरान के सोशल मीडिया पर लोग अपनी सरकार को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। उनकी सरकार जो अपनी आलोचना करने वाले नागरिकों के ऊपर तो एक शेर की तरह झपट्टा मारा करती है, लेकिन बात जब देश के दिग्गज वैज्ञानिकों को बचाने की आती है, दुश्मन से उनकी मृत्यु का बदला लेने की आती है, तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली उनकी ये सरकार किसी घिसियाई बिल्ली की तरह बस खंबे नोच कर रह जाती है। हर बार की तरह इस बार भी ईरान का सुप्रीम लीडर खुमैनी और IRG का चीफ कमांडर हुसैन सलामी इसराइल को सार्वजनिक रूप से बदला लेने की धमकियां देते हैं। ईरानी सरकार द्वारा फकरीजादे को शहीद घोषित कर उसकी याद में 2-4 जुलूस निकलवाए जाते हैं और अपने टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च कर कुछ चौराहों पर उसकी अच्छी सी मूर्तियां बनवा दी जाती हैं। फकरीजादे के मारे जाने से ईरान का परमाणु प्रोग्राम कम से कम 10 साल पीछे चला गया था। इसके अलावा ईरान को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। इस बार मोसाद ने ईरान को केवल चोट नहीं पहुंचाई थी बल्कि उसकी नाक भी जमीन में रगड़ दी थी और अब उसके इन जख्मों पर नमक छिड़कने की बारी थी।
फकरीजादे के ऊपर जाने के लगभग दो हफ्ते बाद 7 दिसंबर 2020 की सुबह जब तेहरान के लोग काम पर जाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर तेहरान की सबसे व्यस्त मेन रोड पर टंगे एक इजरायली झंडे के ऊपर पड़ती है। इजराइल का एक बड़ा सा झंडा जिसके ऊपर लिखा हुआ था थैंक यू इजराइल।